आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन हिंदुस्तान होगा। अभी जिस तरह से सारी कंपनीज ने भारत को एक अलग नज़र से देखा है और यूएस और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 3 महीने पहले सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन में, जिसका परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेट विजिट के दौरान सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए। तो आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि अगला बड़ा डेस्टिनेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान होगा। इसके कई कारण हैं। पहला, टैलेंट। दूसरा, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो रही है अगले 6 वर्षों में। तीसरा, भारत की अपनी रिक्वायरमेंट और भारत में प्रेजेंट करीब करीब 50,000 से ज़्यादा डिज़ाइन टैलेंट, डिज़ाइन इंजीनियर्स। चौथा, मोदी जी ने जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम बनाया उसमें कमिट किया है 80,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, जो किसी दुनिया के किसी देश ने इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया। तो ये एक इतना बड़ा गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसके कारण सारी दुनिया आज क्लियर है कि हिंदुस्तान में ही अगला बड़ा सेमीकंडक्टर का डेस्टिनेशन बनने वाला है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन छुपा रहे हैं। उनका फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 80 में ट्राई किया, 90 में ट्राई किया, 2000 में, 2010 में वापस ट्राई किया, तीनों बार वो फेल हुए। 3 बार उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में लाने का कोशिश की, तीनों बार फेल हुए। देखो, बड़ा फर्क होता है। भारत के प्रधानमंत्री यूएस की स्टेट विजिट में जाए, किस चीज पे फोकस करे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, पार्टनरशिप पे फोकस करे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फोकस करे, या एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिनका फोकस वहां के प्रेसिडेंट के रिलेटिव्स में था, कैनेडी साहब के कुछ रिलेटिव्स में ज्यादा फोकस था नेहरू जी का। आज फोकस क्लियर है टेक्नोलॉजी पे, वर्ल्ड में क्या पोजीशन बननी है उस पे, जॉइंट डेवलपमेंट कैसे होगा टेक्नोलॉजी का उस पे, दुनिया में कैसे एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन बने उस पे। ये बहुत एक माइंडसेट का डिफरेंस है। तो आज जो कांग्रेस के कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो उसके उनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है।